हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लाइव ब्लॉसम। आज मैं आपको बिल्कुल फ्री का एक फर्टिलाइज़र की जानकारी देने वाली हूं, जो आपके पौधों के लिए फर्टिलाइज़र एवं पेस्टिसाइड दोनों का काम करेगा। जैसा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आसपास अलाव जलाने की व्यवस्था तो की ही होगी। अलाव या ताप जलाने के बाद जो राख बचती है उसे आप संभाल कर रख लीजिएगा और उसका इस्तेमाल साल भर आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। राख के इस्तेमाल के दो तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। राख पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए राख का इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से करना होता है। एक बाल्टी में पानी लेकर आपको उसमें 2 से 3 कटोरी राख डाल देनी है। अब इस पानी को 24 घंटे के लिए अलग रख दीजिए। बीच बीच में 1-2 बार आप पानी को हिला देना है। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि राख पानी में नीचे की तरफ बैठ जाती है। अब इस पानी को धीरे से दूसरे बर्तन में बिना हिलाए निकाल लीजिए, जिससे कि जमी हुई राख नीचे ही जमी रहे, पानी में घुले नहीं। इस तरह से आपका कैल्शियम वाला पानी आप सभी पौधों में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और आप बेझिझक अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की राख पोषक तत्वों का भंडार होती है। इसका उपयोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह किया जा सकता है। इसके अलावा यह पौधों के लिए पेस्टिसाइड या कीटनाशक का भी कार्य करती है। लकड़ी की राख में अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बिल्कुल सिंपल प्लेन लकड़ी लेनी है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेंट नहीं किया हुआ हो, और उसी प्लेन लकड़ी की राख आपको अपने पौधों में पेस्टिसाइड एवं फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करनी है। राख कब, कैसे और कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए तथा कौन सी राख सबसे बेहतर होती है, यही सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। राख के अंदर मौजूद पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि लकड़ी किस पेड़ की ली गई है। अर्थात लकड़ी चंदन के पेड़ की ली गई है या बांस के पेड़ की ली गई है या आम की, उसी पर उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स की मात्रा निर्भर करती है। इसके अलावा पतली टहनियों की तुलना में मोटे तने में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि राख की जो प्रॉपर्टी होती है वह थोड़ी एल्कलाइन होती है, तो राख मिट्टी को थोड़ा एल्कलाइन बना देती है। राख का इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं, लेकिन आपको राख के इस्तेमाल के लिए ये ध्यान रखना है कि एक मीडियम साइज के प्लांट के लिए 1 चम्मच राख काफ़ी होती है। ज़्यादा राख आपके पौधों को नुकसान भी कर सकती है। राख मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ा देती है, अतः यदि सही मात्रा को ध्यान में रखते हुए राख का उपयोग पौधों पर किया जाता है तो राख पौधों के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। लकड़ी की राख मॉस्किटो एवं बग रिपेलेंट का भी कार्य करती है। राख के इस्तेमाल का दूसरा तरीका यह है कि आप राख को डायरेक्ट पौधों के ऊपर छिड़काव कर दें तथा उसे रात भर ऐसे ही रहने दें। राख का या किसी भी फर्टिलाइज़र का या किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव हमेशा शाम के समय ही करना चाहिए। अतः आप भी शाम के समय राख का छिड़काव पौधे पर अच्छे से कर दें, जिससे पत्तियों के नीचे छुपे हुए कीट निकल जाएंगे एवं रात भर उसे ऐसे ही रहने दें। सवेरा होने पर अच्छे से पौधों को स्प्रे करके सारी राख को अलग हटा दें, ताकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सके। राख का छिड़काव करने के बाद में राख को पौधों पर से अच्छी तरह से साफ करना बहुत आवश्यक होता है। राख का छिड़काव करने के बाद में अगली सुबह शावर करना बिल्कुल न भूलिएगा, नहीं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा एवं अपने लिए भोजन नहीं बना पाएगा। तीसरा एवं सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप राख को डायरेक्ट मिट्टी में न डालकर कंपोस्ट के अंदर थोड़ी मात्रा में डाल दीजिए। इससे राख की जो मिट्टी को अल्कलाइन बनाने की प्रॉपर्टी है वह भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बाय नेचर कंपोस्ट ऑलरेडी एसिडिक होता है। कंपोस्ट में राख मिलाकर यदि आप मिट्टी में डालते हैं तो कंपोस्ट दुगनी तेजी से कार्य करेगा तथा आपके पौधों पर इसका डबल फायदा होगा।
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय।